हाय एवरीवन मु झरणा आपण मनंको स्वागत करूची आम चैनल आजि अपलोडेड रे। आज मु आपण मनंको सहित आलोचना करिया को जाउची एमिति किछटा विपदजनक संकेत जोटे की गर्भावस्था रे आपण माने अनदेखा बिल्कुल भी करबा कथा न एहा बहुत ही क्रिटिकल हे जाय थे यदि आपण एहा को अनदेखा करि थांती। गर्भावस्था रे तो अनेक समस्या देखिया को मिलि थाय जोटे की सामान्य अटे, किंतु किछटा समस्या एमिति भी थाय जोटे की बिल्कुल भी अनदेखा करिया कथा नुह। यदि आपण अनदेखा करंती एहा आपनका गर्भस्थ शिशु उपरे बहुत ही खराब प्रभाव पकेई थाए। तबे से संकेत गुडी कोन कोन चालंत स्टार्ट करिबा आजिर वीडियो रे। तबे प्रथम संकेतटी होउची बांती हबा। आपण माने एक कथा निहाती जानिथिबे कि गर्भावस्थार प्रथम 3 मास रे बांती जनित समस्या देखिया को मिलिथाय बा जोटा कि कहा जाय थाय मॉर्निंग सिकनेस। एटा नॉर्मल हेई थाय, बहु जनक केस रे एहा देखिया को मिलिथाय आ बहु जनक केस रे एहा कम भी देखिया को मिलिथाय। किंतु जदी आपणकर ई बांती जनित समस्या दरकार रो अधिक हेला, आपण जहा भी खाइले आपणकर बांती हे गला, आपण जहा भी जो समय रे भी जहा भी स्मेल आपणक पाटी को आसीला किंबा आपणक नाक को आसीला तहेला आपण बांती करे पकेले तहेले एहा गुटे डेंजर सिग्नल हेई थाय आपणक गर्भस्थ शिशु पै बा आपणक पै। कहीं ना जदि आपण बहुत थर बांती करिवे, आपण जहा भी खाइबे जदि बांती कर देबे तहेले आपणक शरीर रे डिहाइड्रेशन मोड को जिबार चांसेस बहुत ही बढ़ी जाय थाय, जोटा कि पिला पै बहुत ही बैड इफेक्ट पके थाय बा पिलार ग्रोथ बिल्कुल भी हे न थाय। तेणु करि जदि आपण देखिले कि आपणक दरकार रो अधिक बांती हेला तहेले तुरंत ही आपण डॉक्टर को पाखु जाय एहार चेकअप कराइ नबा निहाती आवश्यक। जदि आपण देखिले कि आपणक सेकेंड ट्राइमेस्टर हे गलाणी माने 3 रु 6 मास भितरे भी आपणकर ए बांती जनित समस्या लागी रहिछि ताहेले भी ए प्रॉब्लम नै आपण आपणक गायनेकोलॉजिस्ट को निहाती देखांथे। तापर संकेतटी होउछि ब्लीडिंग हबा। प्रेगनेंसी रे जो ब्लीडिंग हे थाय, जदि आपणकर हल्का स्पॉटिंग भलिया ब्लीडिंग हेला बा छोट छोट आकार रे ब्लीडिंग हेला जोटा कि प्रेगनेंसी आपण कन्फर्म करिवा पूर्वरु देखिले तहले सेटा को कुआ जाय थाय इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जोटा कि नॉर्मल हे थाय। किंतु आपण देखिले कि आपणकर जदि प्रेगनेंसी रो जानि सारिलेनी कन्फर्म हे सारिलेनी 7 to 8 days परे किंबा 1 month भितरे जदि आपणकर ब्लीडिंग जारी रहिला तहले आपण जानि जिवे कि आपणक प्रेगनेंसी रे किछ गोटे कॉम्प्लिकेट अछि। प्रेगनेंसी रा प्रथम मास रे जदि आपणकर ब्लीडिंग हे थाय तहले एहा मिसकैरेज रो संकेत देई थाय। एहा को अनदेखा बिल्कुल भी करिया कथा न, तुरंत ही ए प्रॉब्लम को नै आपणक गायनेकोलॉजिस्ट को देखिया निहाती आवश्यक। एहा सहित अन्य एक कारण मध्ये हे थाय, जदि आपणकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी थाय तहले मध्ये ब्लीडिंग हे थाय। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी रे आपणकर जदि जो भ्रूणटी हेला, भ्रूणटी जदि आपणकर यूट्रस रे न रहिकरी अलग किसी जगह रही गला जमीती कि ओवरी रे हो किंबा फेलोपियन ट्यूब रे हो, जदि एमती किसी जगह भ्रूणटी रही गला ताहेले एक्टोपिक प्रेगनेंसी एहा को कह जाय थाय। एथि पई मध्ये ब्लीडिंग होय थाय, तेणु करी एहा जानी रखबा निहाती दरकार, एहा चेकअप कराइ नबा निहाती दरकार। एहा को चेकअप करैबा द्वारा आपणकर समस्या जदि आपण प्रथम किसी मास रे धाइथिबे ताहेले एहा को डॉक्टर माने एवोसन कर दे थांती किंबा आपणकर किछ गोटे ट्रीटमेंट आरंभ करिथांती। आउ एहा को आपण किपरि जानिबे, एहा को आपण अल्ट्रासाउंड माध्यम रे जानिबे। डॉक्टर गोटे अल्ट्रासाउंड रे चेक करंती कि भ्रूणटी जाई कोठी रहिछि, यूट्रस रे रहिछि कि फेलोपियन ट्यूब रे रहिछि। जदि एमती हेथाय एहार ट्रीटमेंट मध्ये डॉक्टर माने कराइथांती। तेणु करी जदि आपण प्रथम मास रे ब्लीडिंग जनित समस्या देखिले ताहेले एहा को नै डॉक्टर विजिट करैबा निहाति दरकार। किंतु जदि आपण देखिले कि आपणकर सेकेंड ट्राइमेस्टर माने 3 मास रु 6 मास भितरे हो किंबा 6 मास रु 9 मास भितरे हो आपणको जदि ए ब्लीडिंग देखा गला ताहेले एहा प्लासेंटा रो ब्लीडिंग हे थाय। तेणु करि ए ब्लीडिंग को भी बिल्कुल भी अनदेखा करिवे नाही, आपण तुरंत ही जाई डॉक्टर को ए विषय रे आलोचना कराइ नबा निहाति दरकार। तापर संकेतटी होउछि शिशुर मूवमेंट जदि कमी जीव। साधारणत शिशुर मूवमेंट 5 मासर लास्ट आड़कू किंबा 6 मासर फर्स्ट आड़कू अनुभव हे थाय, जेहेतु पिलाटीर सब अंग प्रत्यंग तयारी हे जाय थाय आउ तार मूवमेंट एबे स्टार्ट हे जाय थाय। जदि 5 मासर लास्ट आड़कू किंबा 6 मासर फर्स्ट भितर आपणको पिलार मूवमेंट फिल हेला नाही, आपण देखिले कि 6 मास शेष हबाकू बसलाणी किंतु पिलार मूवमेंट बिल्कुल भी जणा पडुनी। आउ जणे जणक केस रे एहा मध्ये देखिया को मिलिथाय कि 6 मास बेळको सेमानको पिलार मूवमेंट फील होउथबो किंतु किछि दिन परे पिलार मूवमेंट बिल्कुल भी न हेला। ए सब केस रे डाक्टर को नेकरी ए विषय रे आलोचना करबा निहाती दरकार। तदर डाक्टर आपण मनकर गोटे अल्ट्रासाउंड करिथांती आउ पिलार
हेल्थ कंडीशन चेक करिथांती जोंतरे कि आपण कन्फर्म हे परिवे कि पिलार कंडीशन ठीक अछि कि नाही। तापर संकेतटी हैला आपणक हात गोड़ फुलिबा जदि एमिती होउछि एहा भी गोटे विपद संकेत एहाको अनदेखा बिल्कुल भी करंतु नाही। खास करी जदि आपण देखिले कि आपणक हात गोड़ फुलिबा सहित आपणक चेहरा मध्य फुलि जाउछि ताहेले एहाको नै आपण डाक्टरक सहित परामर्श कराइ नबा निहाती दरकार, एहा आपणक पई सेफ रहिबो। पंचम कारणटी हैला जदि आपणक ज्वर आसिला, ज्वर आसिले से टाइम रे डाक्टर माने आपणको बिना डॉक्टर कंसल्टेशन रे किछि भी मेडिसिन नबा पई मना करिथांती। तो जदि देखिले गर्भावस्था रे आपणको ज्वर आसिला ताहेले एहाको अनदेखा बिल्कुल भी करंतु नाही, तुरंत ही आपण डॉक्टरक पाखकु जातो। किछि भी घरै उपचार निज उपरे आपणायबा बिल्कुल भी उचित न ए समय रे, काहेकि ना जदि आपण एमिति करिवे ताहेले एहा आपणको शिशु पई बहुत ही क्षतिकारक हेथाय बा आपणको शिशुर जन उपरे बा ग्रोथ उपरे एहा बहुत ही बाधा पकेई थाए। तेणु करी आपण ए समस्या को नै डॉक्टर को पाखको निहाते जांतो एवं डॉक्टर जहा कहिबे से ट्रीटमेंट आपण अपनेबा निहाते आवश्यक। तबे एहा थिला किछिटा संकेत जोटे जदि आपण गर्भावस्था रे एई किछिटा संकेत आपण देखुछन्ते तले आपण निहाते सतर्क रहिबा दरकार आउ एहा को नै आपण डॉक्टर विजिट कराइ नबा निहाते आवश्यक। तबे मोर एई वीडियो टी जदि आपनको यूजफुल लागिथे तले मोर वीडियो को लाइक करिवे, अधिक रु अधिक शेयर करिवे ताकि सब गर्भवती माने ए सब सिचुएशन देखे सजग रहिबा निहाती आवश्यक। सब्सक्राइब करिबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी, सब्सक्राइब साइड रे जो बेल आइकन अछि ताको मध्य प्रेस करि देबे तदरा मोर समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। तबे आज पई एति कि फोन देखाबो आउ एक नुवा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सहित से पर्यंत विदाई दियंतु, रहिली नमस्कार।